हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस मंगेश। आज मैं आपको सारे जीके बीएमएस के मॉडल्स दिखाता हूँ जो मेरे पास उपलब्ध हैं। ये 4 to 8S 100 एम्प में आता है, कंटिन्यूस 200 एम्प पीक 1 एम्प बैलेंसिंग के साथ। ये कुछ ऐसा दिखता है ये मॉडल। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 4 to 8S सेम, लेकिन इसका जो कंटिन्यूस करंट 200 एम्प है, 2 एम्प एक्टिव बैलेंसिंग के साथ, कुछ इस तरीके का दिखता है ये बीएमएस। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये करंट हो जाता है 300 एम्प कंटिन्यूस करंट, बैलेंस करंट 2 एम्प, पिक करंट 500 एम्प। 4 to 8S में ये भी आता है। ये 12 वोल्ट से 24 वोल्ट सपोर्ट करता है। उसके बाद हम थोड़ा नॉर्मल बेसिक में आ जाते हैं। ये 60 एम्प्स का बीएमएस है और इसमें 200 एम्प पिक है। अच्छा नहीं, ये 100 एम्प्स का बीएमएस है, कुछ इस तरीके दिखता है। इसमें 0.6 एम्प की एक्टिव बैलेंसिंग है और 200 एम्प पिक जाता है। उसके बाद आते हैं हम 150 एम्प्स पे। ये 150 एम्प्स का 24S में बीएमएस है, इसका 300 एम्प पिक जाता है 1 एम्प की बैलेंसिंग के साथ। फिर उसके बाद 24S 200 पे आ जाते हैं, ये 200 एम्प पिक जाता है, 200 एम्प कंटिन्यूस जाता है, 350 पिक जाता है, 8 से 24S में काम करता है, यानी कि 24 से लेकर 72 वोल्ट में। फिर उसके बाद हम इन्वर्टर बीएमएस में आ जाते हैं। ये 200 एम्प का बीएमएस है, 350 पीक है, 8S से लेकर 16S पे काम करती है, यानी कि 24 से 48 वोल्ट के बीच में, कुछ इस तरीके का दिखता है। इधर बीएमएस आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिलते हैं, डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके का लंबा बीएमएस आपको मिलता है। और एक बेसिक मॉडल यहाँ पे रह गया, यहाँ पे आपका 60 एम्प बेसिक है, ये 60 एम्प्स और 100 एम्प पीक, 8 से 24 है। और उसके बाद 4.3 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पर हमारे पास 15 एम्प का एक्टिव बैलेंसर है, 0.8 से लेकर 15 एम्प तक बैलेंस कर सकते हैं, 24 सीरीज 2 से लेकर 24 सीरीज 20 से लेकर 100 वोल्ट के बीच काम करता है, कुछ इस तरीके के केसिंग में आता है, कुछ इस तरीके का ये बैलेंसर है। इसके साथ आपको हार्नेस वायर मिल जाता है, यहाँ पे एलिगेटर क्लिप्स मिल जाते हैं, और ये बैलेंसर काफ़ी भारी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, ये जेके ब्रांड का है। इसकी डिटेल वीडियो भी आ रही है, आप जरूर मेरे चैनल पर देख। इस तरीके का जेके का पूरा लाइनअप आता है। आपको अगर इंटरेस्टेड है परचेज़ करने में तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।